प्यारे बच्चों, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट टर्म्स के अंतर्गत पार्ट टू में कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है सिल्क रूट, रेशम मार्ग। दीज वर द रूट्स विच नीटेड टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंक्ड एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका अफ्रीका। दीज रूट्स आर नोन टू हैव एग्जिस्ट सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्रिव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th century। ये ऐसे मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का काम करते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं सदी तक अस्तित्व में रहे। कौन लो द लॉज एलोइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न वर पॉपुलरली नोन एज द कॉर्न लॉ। जो कानून अंग्रेजी सरकार को अनाज का आयात करने के लिए प्रतिबंधित करते थे उन्हें प्राय कॉर्न के कॉर्न लॉज कहते थे या कॉर्न कानून कहा गया। ट्रेड सरप्लस, वाणिज्य अधिशेष। इट इज ए सिचुएशन अंडर विच वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट्स। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है G77। द G77 इज ए लूज कोलिएशन ऑफ डेवलपिंग नेशंस डिजाइन टू प्रमोट द मेंबर्स कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड क्रिएट एंड एनहेंस्ड जॉइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। G77 विकासशील देशों का ऐसा संगठन है जिसे अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक लाभों और संयुक्त राष्ट्रों की साझा बातचीत सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली लाइन प्रोडक्शन, संयोजन परक उत्पादन। द असेंबली लाइन इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच इंटरचेंजेबल पार्ट्स आर एडिड टू ए प्रोडक्ट इन ए सीक्वेंशियल मैनर टू क्रिएट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। संयोजन परक एक प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनशील मार्गों या पुर्जों को जोड़कर वस्तु को अंतिम रूप में तैयार किया जाता है। ये पॉइंट्स है सेकंड पॉइंट पार्ट के अंतर्गत, इनको अपनी नोटबुक में लिख करके याद करें।